इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्जिम खालिद शमीम की वीडियो रिकॉर्ड के बाबरे पर स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे नौमान मकसूद से। नुमान बताइएगा, इब्तदाई रिपोर्ट में क्या कहा गया? जी दानिश, इस मामले के अंदर अब तहकीकात की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो मुकम्मल कर ली गई है और खालिद शमीम ने जो वीडियो बयान दिया था उसके हवाले से ये जो स्पेशल कमेटी जो बनाई गई थी उसने ये आम जो है मालूमात है वो हासिल किया और उसके नतीजे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जरा का ये कहना है कि ये चीज साबित हो गई है कि इसमें जिम्मेदार कौन था जिसने ये वीडियो बनाई और उसके बाद उस वीडियो को लीक किया। जरा का कहना है कि इस केस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो अफसरान थे तफ्तीशी उनकी एक तो बयान रिकॉर्ड किए गए थे और दूसरा दीगर तकनीकी जो माहरीन थे उनसे मामला से जो है वो तैयार की गई और उसमें ये बात साबित हो गई है कि जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने ये वीडियो बनाई और उसके बाद जो है ये वीडियो लीक की गई। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है इसमें ये बात साबित हुई है कि जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है उन्होंने इस वीडियो को जो है वो बनाने में और उसको जो है वो आगे पहुंचाने में जो है वो लीक करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया है और जरा के मजीद जो है उस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि वीडियो बनाने के लिए जो है वो और कौन लोग जो है वो मुलव्वित थे। ठीक है, शुक्रिया नुमान मकसूद।